मात्र 100 रुपए के अंदर बनने वाली ये केसरिया कतली इतनी ज्यादा टेस्टी है। बनाने की सारी सामग्री आपको आपके किचन में ही मिलने वाली है और खाने के बाद कोई ये पहचान नहीं पाएगा कि इसे किस तरीके से बनाया गया। इसमें आपको काजू का टेस्ट भी आएगा, काजू कतली वाला फ्लेवर भी आएगा और रिचनेस भी फील होगा। इस तरीके से इसको हमने बनाया है। इसका हर एक कोना कोना आप देख सकते हो, बिल्कुल शार्प इसके एजेस निकलेंगे जैसे कि काजू कतली के होते हैं। इसे कैसे इतना प्रॉपर तरीके से बनाना है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज की हमारी मिठाई में महंगी मिठाई वाला स्वाद तो आप पाएंगे लेकिन जिसका दाम भी सस्ता होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे मूंगफली यूज की है। मेजरमेंट भी बिल्कुल सिंपल है, घर की कोई भी कटोरी ग्लास कप ले लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट आगे ले लीजिएगा। एक कटोरी जितना मैंने यहाँ पे मूंगफली लिया है और साथ में आधा डेढ़ कटोरी टोटल ये मूंगफली हो गई, जिसे रोस्ट करना है बिल्कुल धीमी आंच पर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मूंगफली को कुछ ऐसे आपको भूनना है कि जिसको वो भून तो जाए लेकिन कहीं से ऐसे डार्क कलर ना आए। देख रहे हैं ना आप, जब मूंगफली भून जाती है ना तो आपको एक स्मेल भी महसूस होगा, लेकिन याद रखना है कि मूंगफली को हाई फ्लेम के ऊपर आप तो बिल्कुल नहीं भूनेंगे, वरना इसको जगह जगह पर ब्लैक या ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे। वैसा हमें नहीं चाहिए क्योंकि टेस्ट को भी बरकरार रखना है। ओके, अब इसे कम्प्लीटली हमें ठंडा करना पड़ेगा। पूरा ठंडा होने के बाद जस्ट आप हाथ से रगड़ेंगे तो इसके छिलके अलग हो। छिलके निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि मिठाई में मूंगफली का स्वाद हमें ज्यादा महसूस नहीं होगा अगर छिलके हम थोड़े हटा देंगे, और कलर पे भी फिर फर्क पड़ता है, थोड़ी डार्क ब्राउनिश हो जाएगी। इसलिए छिलके छान लेने के बाद अगर मूंगफली गर्म है अभी भी थोड़ी, तो उसे पूरा पूरा ठंडा करना है आपने। उसके बाद ही मिक्सी जार के अंदर लेके पल्स मोड में पीसना है। पल्स मोड होता है शुरू करे तुरंत बंद करे, शुरू करे बंद करे, इसे पल्स मोड कहते हैं, जिससे मूंगफली के अंदर जो नेचुरल ऑयल है वो बाहर ना आने पाए। और ऐसा थोड़ा सा कोर्स पाउडर आपको मिलेगा, ये मिठाई बनाने के लिए ज्यादा मोटा है इसलिए इसको छानना जरूरी है। इसे छानने के बाद आपको थोड़ा सा बारीक ऐसा पाउडर मिल जाएगा। जो मोटा थोड़ा सा बच गया है उसको दोबारा मिक्सी जार के अंदर लेके रिपीट करें आप प्रोसीजर, पल्स में मिक्सी को चलाएं, दोबारा छान लीजिए, आपके पास मूंगफली का पाउडर बनके आ जाएगा। याद रखना अगर तेज मिक्सी घुमाई तो इसका ऑयल निकल जाएगा, इसका गोला बन जाएगा अंदर, जिससे हमारी मिठाई खराब हो सकती है। इसमें हम आधा कटोरी जितना काजू ऐड कर रहे हैं। टोटल हमारा दो कटोरी का मेजरमेंट है, जिसमें डेढ़ कटोरी जितना हमने मूंगफली का यूज किया है और आधी कटोरी काजू का यूज किया है। काजू इसमें रिचनेस देगा और काजू डालने की वजह से ये मिठाई मूंगफली से बनाई गई थी ये जल्दी से कोई पता नहीं कर पाएगा। काजू मूंगफली के मुकाबले बड़े ही इजिली पीस जाते हैं और इसका पाउडर बिल्कुल ही आपको ड्राई मिलेगा, जितना मूंगफली का हमें नहीं मिलता। और ये भी हम एक बार छान लेंगे इसी मिक्सचर के अंदर। अब इसमें हमें मिलानी है मिल्क पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही आप यूज कीजिएगा। तो ये हम 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसके अंदर। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद आपको ऐसा ये भुरभुरा मिक्सचर आपके पास होना चाहिए। ओके, अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ। अब पैन लिया है, पैन के अंदर देखिए सेम कटोरी से नापकर 3/4 कटोरी जितनी ही मैं चीनी ले रही हूँ, ज्यादा मीठा नहीं करेंगे इसको, और आधा कटोरी जितना पानी इस चीनी के अंदर मैंने डाल दिया। अब हमें पहले धीमी आंच पर पूरी चीनी को पानी के अंदर पिघला लेना है। अभी से गैस को बढ़ा देंगे तो चीनी पिघलने से पहले कहीं इसकी चाशनी ना बन जाए। चीनी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, फिर हम गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे और जस्ट 2 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे। और आपको देखिए इसे झाग यहाँ पे पहले दिखाई देगा, फिर आप एक बार चेक करते रहिएगा क्या इसमें तार बन रही है, अगर नहीं तो और थोड़ा 2 मिनट के लिए पका लीजिएगा। 3-4 मिनट के अंदर चाशनी बनके तैयार हो जाती है। अब देखिए मैं फिर से चेक करती हूँ, ये जो ड्रॉप मैंने उंगली के ऊपर लिया है जल्दी से नीचे बह नहीं रहा है, थोड़ी थिक हो गई है, और अगर उंगली में तार बना के भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी तार बन रही है, ज़्यादा नाजुक ना हो। याद रखिएगा कतली के लिए हमें ज़्यादा नाजुक तार नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसके जो पीसेस है ना वो काफ़ी शार्प नीट एंड क्लीन चाहिए। ज़्यादा ढीली तार अगर आपने बनाई तो क्या होगा ना, मिठाई को सेट होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और थोड़ी सी ढीली ढीली बनेगी। अब गैस को बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल स्लो, और इसके अंदर हम ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे हमें तेज़ी से घुमाना है। हो सकता है इसकी थोड़ी सी गांठें बन जाए लेकिन कोई नहीं, मिक्स करते करते ये सारी गांठें मुड़ जाती हैं। बीच में लाइट जाने की वजह से इसमें जब मैंने कलर डाला वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है जो कि ये वाला कलर था, जस्ट 2 पिंच जितना। और ये जो गांठें आपको दिख रही है स्पैचुला से बस इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना ये मुड़ जाएगा क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं है। ये रेडी है कैसे पता करेंगे, धीमी आंच है गैस की बिल्कुल धीमी और इसको लगातार आपने चलाते रहना है। अभी ये पैन के एजेस को छोड़ नहीं रहा है,
जैसे जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना, पैन की एजेस को छूटने भी लगेगा और आप देखिए नीचे से ना थोड़ा सा चिपकने की कोशिश कर रहा है, मतलब गाढ़ा हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा इसको ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना, वरना आपकी कतली सेट करने से पहले ये मिक्सचर पूरा हार्ड होके खराब हो जाएगा। और ये देखिए ये स्पैचुला के साथ गोल गोल घूम रहा है ना। बस इसी समय आप गैस को बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेपर रखा है, बटर पेपर, जिसको थोड़ा सा घी लगा लिया है और मिक्सचर हम इसके ऊपर पलट देंगे। अभी आपको मिक्सचर भले ही पतला नज़र आए लेकिन धीरे धीरे ये सेट होगा। अगर इससे ज़्यादा पतला है आपका मिक्सचर, इसका मतलब आपने बहुत पहले निकाल लिया है, उसको थोड़ा और कुक करने की ज़रूरत थी, ये समझ लीजिएगा। अभी गर्म है इसलिए मैं चम्मच से इसको थोड़े सा ठंडा कर रही हूँ, फिर जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हो जाए हम इसे हाथ से मस लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बिल्कुल बारीक बारीक से दाने होते हैं ना, वो हाथ से मसलने पर ही पूरे जाएंगे, मतलब ये स्मूथ होगा। और देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मसल लिया है। अब ये मिक्सचर पहले से और थोड़ा ठंडा हो चुका है, हम हाथ लगा सकते हैं और आपको एक गोला मिलेगा जो अपना पेपर को चिपकेगा ना आपके हाथ को। ये स्टेज जब आपके गोले के अंदर आ जाए तब आप इसे थोड़ा सा इसका पेड़ा बना लीजिए, दूसरा पेपर इसके ऊपर रख कर इसे आप बेलन की सहायता से बेल लीजिए, पतला मोटा जैसा भी आपको रखना हो, हल्के हल्के हाथों बेलना है। और ये देखिए ये जो हमारा बेस है ये बेल कर तैयार है। अब चाहे तो आप इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन लगा सकते हो या तो चांदी का वर्क लगा सकते हो। ये वर्क मैंने इसके ऊपर लगा दिया, फिर से एक बार बेलन घुमा लेते हैं। अब देख लेना अगर थोड़ी थोड़ी सेट हो गई है तब आप इसे काट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इतना ज़्यादा बढ़िया इसका टेक्सचर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल मुँह में रखते ही ये घुल जाएगी। जिस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ इससे तो आप खुद समझ भी सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। इसमें काजू कतली जैसे बनती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी। इनफैक्ट आप कभी मार्केट से नहीं लाएंगे, खुद बनाएंगे। अगर किसी को काजू कतली बनानी हो ना, सेम प्रोसीजर से जाओ, सिर्फ मूंगफली को रिप्लेस करके आप काजू ले लो। और ये रही हमारी शानदार सी केसरिया कतली बनकर तैयार है। ये एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, सिर्फ एक उंगली से ये टूट जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़िया इसके अंदर टेक्सचर है। चीवी तो बिल्कुल नहीं है, चीवी कतली टूटती ही नहीं है, वैसा तो इस केस में बिल्कुल भी नहीं होगा। चाशनी को बस सही तरीके से बनाना है और थोड़ा सा पकाना है, जो तरीका मैंने आपको अभी अभी बताया है। मेरे बताए तरीके से बना के देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रक्षाबंधन इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।